तो गाइस साहिल जा रहा है अंदर, मैं भी चलता हूँ। और इसके अंदर भी है, और साहिल रहन दो यार, स्नैक वगैरह ना हो। गुड मॉर्निंग, अभी हो रहे हैं 8:21, मतलब कि 8:30 बज रहे हैं अभी यहाँ पे। और पीछे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब फॉग हो रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे, ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन हो गया है। हे गाइस, आई होप यू डूइंग वेल, दिस इज सत्यम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं खजुराहो, शायद तक मतलब प्लान है हम लोगों का कि खजुराहो आज जाएंगे। अभी हम लोग रुके हुए हैं नागौद में, तो यहाँ से वो 88 या मतलब 90 किलोमीटर के आसपास है। गाइस, हम लोग मतलब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं अभी, और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था पोहा, और ये इस पर ना शर्मा रहा है। शर्मा रहे हो? नहीं, शर्माओ मत, तुम आने वाले हो यूट्यूब पे, बढ़िया देखना वीडियो। कैसा लग रहा है मतलब आज प्लान? मस्त है भाई, है ना, चलते खजुराहो चलेंगे, मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा, है ना। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है और सब लोग फिलहाल जग चुके हैं और नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भाई और हम दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं वहाँ जाने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, पेट्रोल डलवा लिया है एक्टिवा में, साहिल गया हुआ है अभी वॉशरूम के लिए, और यहाँ से अब हम लोगों की जर्नी मतलब स्टार्ट होगी खजुराहो के लिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये पन्ना का जंगल है, गाइस अभी पन्ना पहुंच चुके हैं। पन्ना से मतलब 42 किलोमीटर दिखा रहा है खजुराहो। यहाँ पे हम लोग हाईवे पे रुके हुए हैं, और ये रही एक्टिवा, और ये रहा साहिल, और अभी यहाँ से फिलहाल निकलते हैं क्योंकि अभी 42 किलोमीटर और जाना है। सो गाइस, घाटी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, और देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और हम लोगों की ना एक्टिवा मतलब बंद करके हम लोग चला रहे हैं, पेट्रोल की फुल बचत, और फिलहाल साहिल ना ड्राइव कर रहा है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारा, ये देखिए पूरी एक्टिवा ना मतलब बंद में चल रही है। साहिल, फोटो वगैरह खिंचवानी है क्या? देखा आपने, बहुत प्यारा व्यू था घाटी का। और यहाँ पे अभी हम लोग मतलब थोड़ा सा और रुके हुए हैं, दो लोग हैं फिर भी मतलब काफी ज्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलिए साहिल का एक्सप्रेशन देखते हैं कैसा रहता है। साहिल, कैसा फील कर रहे हो यहाँ के? मजा आ रहा है भाई, मतलब फुल एंजॉय कर रहे हैं। ड्राइव करने में कैसा लग रहा है तुम्हें? बस फर्स्ट क्लास है, है ना, मजा मतलब आ रहा है, व्यू भी बहुत अच्छा है। पहुंच चुके हैं हम लोग यहाँ मतलब खजुराहो मेन जो टेंपल है, जो फेमस है, वहाँ पे टिकट काउंटर पे ना हम लोग टिकट बुक कर रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट बुक होगी। वहाँ पे मतलब एक स्कैनर रखे हुए हैं, इस बोर्ड पे मतलब स्कैनर है, और उसको मतलब स्कैन करना है गूगल लेंस से, फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करनी है, कोई मतलब आईडी नंबर डालना है, उसके बाद मतलब यहाँ पे टिकट मिलेगी हम लोगों को, ऑनलाइन मतलब डाउनलोड हो जाएगी। गाइज, हम लोग आईडी नंबर डाल रहे हैं फिर भी मतलब पता नहीं क्यों सर्वर एरर है या फिर कोई इशू है, इस वजह से ले नहीं रहा है, तो अभी मतलब टिकट हम लोग की बुक नहीं हो रही है। लेकिन अभी हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, जैसा भी होगा तो अपन अपडेट दे देंगे, है ना। सर्वर इशू था इस वजह से शायद टिकट बुक नहीं हो रही थी, लेकिन अभी टिकट हो गई है बुक, और साहिल पेमेंट कर रहा है। सो गाइज, ऐसी कुछ टिकट रहती है ऑनलाइन ही मतलब ये डाउनलोड हो जाती है, और 35 रुपये पर हेड चार्ज है यहाँ का। ये देखिए गाइस, छोटी सी झलक मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, खजुराहो टेम्पल। तो बेसिकली यहाँ पे ना मतलब शंकर जी का टेम्पल है, जी की मूर्ति है, और ऊपर कुछ बहुत प्यारा बना हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। मैं ऊपर से मतलब व्यू ले रहा हूँ जो शिव टेम्पल है वहाँ से, और यहाँ पे ना ज़्यादा आपको फॉरेनर मतलब देखने के लिए मिलेंगे।
वो लेक है उधर। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें मतलब बाहर से ही बना के रखे हैं, यहाँ से मतलब एंट्री नहीं है, तो पहले बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद मतलब एंट्री मिलेगी। ये है एंट्री गेट और चलते हैं आगे। बस एंट्री तो हो गई हम लोगों की, और वहाँ पे बेसिकली टिकट चेक होती है, वो भी मतलब टिकट को ना स्कैन किया जाता है वहाँ पे, और स्कैन करते हैं उसके बाद एंट्री देते हैं, और स्कैन करने के लिए ना भीड़ होती थोड़ी सी, उसके बाद ही अंदर आने दिया जाता है। ट्राईपॉड मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम लोग भी मतलब मंदिर के गेट से जा रहे हैं वापस जमा करने के लिए। ट्राईपॉड तो यहाँ पे रखवा दिया है, और बोले हैं कि मतलब वापस आओगे तो मिल जाएगा, लेकिन यार कुछ देना चाहिए ना मतलब प्रूफ के लिए कि हाँ हमने मतलब ये चीज़ें रखी हैं। गाइस बहुत दूर दूर मंदिर बने हुए हैं, ये देखिए। इसके पहले हम लोग यही वाला घूम के आए थे, फिर ये है, और ये ऐसा मंदिर है कि यहाँ पे पूजा वगैरह नहीं होती है बोल रहे हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब सभी टेम्पलों में मतलब पूजा वगैरह नहीं होती है, कुछ टेम्पल हैं जिसमें मतलब शिव जी मतलब हैं वहाँ पे, तो उन टेम्पलों में मतलब पूजा वगैरह होती है, और जिनमें मतलब कोई भी गॉड वगैरह नहीं है तो वहाँ पूजा वगैरह नहीं होती है। सारे टेम्पल लगभग लगभग सेम है, बस मूर्तियाँ अलग हैं और उनके नाम अलग अलग हैं बस, बाकी लगभग सब कुछ सेम है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है गाइज। सो गाइज घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और मतलब अच्छा प्लेस है, घूमने लायक है, बस आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ आना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, और काफ़ी पुराना मंदिर है, उससे बाहर निकलो कि थोड़े बहुत मतलब रेस्टोरेंट वगैरह हैं, कैफ़े बोल सकते हैं, और थोड़ी बहुत मार्केट है छोटी सी, बुक वगैरह या मूर्ति वगैरह या जो भी सामान लेना चाहते हैं मतलब तो ले सकते हैं यहाँ पे। गाइस वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी आपने देखा खजुराहो टेम्पल, और आप इसके बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और गाइस वीडियो को ना आप लोग लाइक कर दिया करो, क्योंकि इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।